हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लैक गाउन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए पहले जानते हैं कि इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। तो अगर हम इंडेमनिटी के डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो इंडेमनिटी एक तरीके का प्रोटेक्शन है अगेंस्ट लॉस, वो प्रॉमिस टू पे या फिर पेमेंट फॉर लॉस ऑफ मनी गुड्स के फॉर्म में होता है। तो इंडेमनिटी एक तरीके का सिक्योरिटी है या फिर कंपनसेशन है फॉर लॉस। चलिए अब देखते हैं पार्टीज टू इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में जो पर्सन प्रॉमिस करता है टू इंडेमनीफाई उसे कहा जाता है इंडेमनीफायर, और जो पर्सन जिसके फेवर में वो प्रॉमिस करता है उसे कहते हैं इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रोमिस करती है कि वो उसे सेव करेगा फ्रॉम लॉस। यहाँ पे जो पार्टी प्रॉमिस कर रहा है वो इंडेमनीफायर है और जिसे सेव किया जा रहा है वो इंडेमनिटी होल्डर है। ऑल्सो सेक्शन 124 में स्पेसिफिकली मेंशनड है कि जो लॉस है वो इन दो रीजंस के कारण ही कॉज्ड होना चाहिए। फर्स्ट है बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ, यानी कि जो इंडेमनीफायर है उसके कंडक्ट के कारण कॉज होना चाहिए, या फिर कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी कि जो इंडेमनिटी होल्डर को लॉस कॉज हो रहा है वो किसी थर्ड पर्सन के कारण कॉज होना चाहिए। सो सेक्शन 124 के डेफिनेशन से ये क्लियर है कि लॉस शुड बी कॉज बाय ह्यूमन एजेंसी ओनली, यानी जो लॉस इंडेमनिटी होल्डर को कॉज हुआ है वो सिर्फ ह्यूमन एजेंसी के कारण ही कॉज होना चाहिए। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी उन केसेस से डील नहीं करती जहाँ इंडेमनिटी अराइज फ्रॉम लॉस कॉज बाय इवेंट और एक्सीडेंट्स जो इंडेमनीफायर के कंडक्ट पे डिपेंड ना करता हो या फिर किसी अदर पर्सन के कंडक्ट पे डिपेंड ना करता हो। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। सो ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी कि अगर सी कोई भी प्रोसीडिंग चलाता है बी के अगेंस्ट, तो उस प्रोसीडिंग के कॉन्सिक्वेंसेज में ए जो है बी को एक सर्टेन अमाउंट दैट इज़ 200 रुपये देगा। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहेंगे। यहाँ पे ए जो है वो बी को इंडेमनीफाई कर रहा है, ठीक है, किसके कंडक्ट के अगेंस्ट में, सी। यहाँ पे अगर सी के कारण बी को कोई भी लॉस होता है, यानी अगर सी कोई भी प्रोसीडिंग चलाता है जिससे कि बी को कोई लॉस होता है, तो ए जो है बी को इंडेमनीफाई करेगा, तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब एक क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि सेक्शन 124 रिकॉग्नाइज करता है उसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करता है कि वो उसे सेव करेगा फ्रॉम लॉस जो कि कॉज हुआ है बाय कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ या फिर कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। सेक्शन 124 वैसे कॉन्ट्रैक्ट को कवर नहीं करता जहाँ प्रॉमिस टू पे कंपनसेशन फॉर लॉस जो है वो ह्यूमन एजेंसी के कारण अराइज नहीं करता, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस सेक्शन 24 के अंडर नहीं आएगा। सो अगर ए प्रोमिसेस टू बी कि वो उसे कंपनसेशन देगा अगर आग लगने से बी को कोई लॉस होता है, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 के प्रीव्यू में नहीं आएंगे। अच्छा, अगर इंग्लैंड की बात करें तो जो वर्ड इंडेमनिटी है उसे मच वाइडर मीनिंग दिया गया है अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कंपेयर करें तो। इंग्लिश रॉ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है इंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेव द प्रोमिसी या फिर इंडेमनिटी होल्डर फ्रॉम लॉस, वेदर जो लॉस है वो कॉज हुआ है बाय ह्यूमन एजेंसी या फिर कोई और इवेंट लाइक एक्सीडेंट या फिर फायर। तो इंग्लैंड में जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसका जो स्कोप है वो वाइडर है, और इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है
उसे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंक्लूड किया गया है, बस जो लाइफ इंश्योरेंस है उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंक्लूड नहीं किया गया है इंग्लैंड में। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। सेक्शन 125 बात करता है इस बारे में। सेक्शन 125 सब क्लॉज 1 जो है वो बात करता है इंडेमनिटी होल्डर के राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन अ सूट, यानी कि जो इंडेमनिटी होल्डर है वो इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है डैमेजेस जो उसने किसी सूट में पे किए हैं, बट वो जो सूट है वो रिलेटेड होना चाहिए उस मैटर से जिस मैटर के रिस्पेक्ट में प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटीफायर जो है वो अप्लाई कर रहा है, यानी कि जो इंडेमनीफायर है वो उसे प्रॉमिस किया होगा कि मैं तुम्हें इस प्रोसीडिंग के रिस्पेक्ट में इंडेमनीफाई करूँगा, तो ये उन सारे मैटर्स पे ही अप्लीकेबल है। बस सेक्शन 125 सब क्लॉज 2 बोलता है कि इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट है टू रिकवर कॉस्ट इनकर्ड इन डिफेंडिंग या फिर ब्रिंगिंग द सूट। और सेक्शन 125 सब क्लॉज 3 बोलता है कि इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट है टू रिकवर सम्स पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट। पर जो इंडेमनिटी होल्डर है वो तभी रिकवर कर पाएगा इंडेमनीफायर से सम जब इन ब्रिंकिंग या डिफेंडिंग या फिर कॉम्प्रोमाइजिंग द सूट कॉन्ट्रेरी नहीं है प्रोमिसर के ऑर्डर से, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ना भी होता तो भी जो प्रोमिसी है या फिर इंडेमनिटी होल्डर है वो वैसा ही करता, या फिर प्रोमिसर या इंडेमनीफायर ने इंडेमनिटी होल्डर को ऑथराइज किया है टू ब्रिंग या डिफेंड या फिर कॉम्प्रोमाइज द सूट, तो इन केसेस में ही जो इंडेमनिटी होल्डर है वो रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर से सम अमाउंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।